एक ओर जहां कोरोना जैसी घातक बीमारी को हराने के लिए शासन और प्रशासन दिन रात खुद को खतरे में डालकर लोगों की सुरक्षा कर रहा है और आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भगवा रक्षा वाहिनी सहित अन्य सामाजिक संस्थाएं खुद के खर्चे पर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मजदूरों तक खाना और चाय पानी का बंदोबस्त कर उन्हें पहुंचाकर इस संकट की घड़ी में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। मजदूरों और गरीब ऐसायों को खाना देने आए इन युवाओं ने प्रशासन से भी अपील की कि वह इन लोगों को खाने पीने की हर वस्तु प्राथमिकता से उपलब्ध करवाएं। इन्होंने यह भी अपील की कि अपने प्रयोग किए गए मास्क आदि खुले में ना फेंक कर उन्हें जला दें ताकि कोई जानवर उन्हें खाकर बीमार ना हो। क्या कहना चाहोगे जो आज आपने? सर, मेरा नाम ब्रजेश अग्रवाल है और मैं अग्रवाल वैश्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ और उसके संस्था मेंबर भी हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा समाज गवर्नमेंट से कि यहाँ पे जो अब मैं यहाँ पे खाना बांटने आया हूँ, यहाँ पे यूपी से आए हुए लोग हैं जो कि मजदूरी करते हैं, एमपी से जो कि मजदूरी करते हैं, जैसे कि अपना सीमेंट का हो गया, चिनाई चुनाई का सामान हो गया या फिर और भी ऐसे कई काम करते हैं, वो ये लोग हैं। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि यहाँ के लोगों को खाना प्रोवाइड करा जाए और जब तक मेरे पास इतनी क्षमता है तब तक मैं इनके यहाँ पे रोज़ इनको खाना प्रोवाइड करता रहूँगा। और मेरी आप सभी से यही एक अपील और है कि हम जब भी जो सारे लोग मास्क पहन रहे हैं और ग्लव्स पहन रहे हैं उसको आप सभी फेंके नहीं, उसको या फिर आप जलाएँ या फिर उसको मिट्टी में गाड़ें, क्योंकि अगर हम उस मास्क को फेंकेंगे तो वो पशु भी खाएंगे तो पशु को इससे ज़्यादा बीमारी फैलने की डर रहेगा। अगर बाई चांस मास्क किसी भी पशु ने ये मास्क खा लिया, ग्लव्स खा लिया, तो वो बीमारी कोरोना जैसी बीमारी काबू में बहुत मुश्किल होते काबू में लेना, क्योंकि पशुओं से ज़्यादा बीमारी फैलती है। तो आप सभी से मेरी यही अपील है कि जो हम मास्क पहन रहे हैं या ग्लव्स पहन रहे हैं उसको ना फेंके और उसको खाली जलाएं या फिर उसको ज़मीन में गाड़ दें। आप सभी से यही अपील है और अपील ये भी करता हूँ कि आप सभी भाई और बहनों से अपील है कि आप घर के अंदर ही रहें और जो 14-21 दिन का जो हमारा लॉकडाउन है उसमें हमारी सरकार की सहयोग दे रहे हैं। आज घर के अंदर आओगे तो कोरोना वायरस हमसे मुक्त मिलेगा। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम भारद्वाज है। शुभम जी, कैसे क्या है जो आपने खाना बांटा आज, जो क्या कहो? सर, मैं एक जो हमारी संस्था है भगवा रक्षा वाहिनी उसके और भी नितेश अग्रवाल जी और उनके जो उनके द्वारा संस्था हमारी एक साथ समायोजन सहित आज कल चाय का प्रबंध करा था जो गरीब वर्ग के लोग हैं या उत्थान के लोग हैं और जो आज भोजन का व्यवस्था की गई है और सभी की बस यही सभी गरीब समाज के लोग जो इस टाइम दिहाड़ी मजदूर वर्ग हैं जो अपना रोज़मर्रा का सामान के लिए सामान लाने के असमर्थता जाते हैं उनकी तरफ से सरकार को प्रबंध जल्द से जल्द मुहैया कराना चाहिए। इसके अनुसार सभी ज़्यादातर बुजुर्ग वर्ग जो उनके साथ हैं उनकी सबकी शिकायत है कि रोज का कि हमें खाना आटे वाटे के लिए और ज़रूरतमंद सामान के लिए पैसे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, ना हम जा रहे हैं। आज हमने उनको घनी थोड़ी बहुत इतनी लोगों के लिए खाने का अरेंजमेंट किया आज आपकी संस्था ने? आज हमारी संस्था ने लगभग 80-90 पैकेट बनाए थे खाने के और 100 पैकेट बिस्कुट के दिए हैं बच्चों को लेकर और बड़ों जो उनके लिए उनके सबके लिए भोजन की व्यवस्था की गई। कोरोना की आपदा रहेगी जब तक आप लोगों का ये काम चालू रहेगा? हाँ जी, जरूर। जब तक 14 अप्रैल तक जब भी प्रधानमंत्री जी कोई भी देशवासी अगर उनके 21 दिन के लिए और तब तक हमारे ये प्रबंध तक लागू रहेगा और ये जो है हम अपने जैसे स्वास्थ्य नहीं इसमें सभी समाज का हमारे साथ सहयोग मिल रहा है। जैसे अभी भी हाल ही में जो भी बिजली वर्ग के कर्मचारी उन्होंने भी हमारे साथ अपनी अनुदान राशि देकर हमारी सहायता करी है। अन्य जो भी वर्ग जो हमारे साथ किसी भी तरह का जुड़ रहा है वो अपनी अनुदान राशि में सहायता कर रहा है। हमें समाज से भी प्रोत्साहित प्रशन खूब मिल रहा है इस चीज़ को लेकर।